दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है। वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन। हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेड बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है। वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को
मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्रानी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की इस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हिरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेन टोमेटो तरफ से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्रानी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की इस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया।
उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा, जो कि अक्षय खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी, जो कि ऋषि चड्ढा, आदर्शवादी और उत्साही वकील, जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में, जिसमें हिरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है, हम कानून के व्यवसाय में हैं, न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है, और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेड माध्यम तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की, और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में, और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों, धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी, जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे, और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हिरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा, और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं, और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था, और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी, और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि डांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा, जो कि अक्षय खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी, जो कि ऋषि चड्ढा, आदर्शवादी और उत्साही वकील, जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में
जिसमें हेरल भी शामिल थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की, और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के शुरू
दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलते हैं आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में कृत्य का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत एजा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375
मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेड माध्यम तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा
अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस प्रकार से तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढैंक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हिरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते हैं का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस प्रकार से तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढैंक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी
सलूजा की प्रसूचक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाओ बरिस्टर के रूप में गाय करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलते हैं आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अजा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रसूचक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाओ बरिस्टर के रूप में गाय करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है,
और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न टमाटो तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी, जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा, जो कि अच्छे खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं, आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न टमाटो तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की।
दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांतों पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन। हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की
पत्नी के नाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट ऐसा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में कृत्य का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत ऐसा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हिरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलते हैं आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट ऐसा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में कृत्य का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत ऐसा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने
गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा, जो कि अक्षय खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी, जो कि ऋषि चड्ढा हैं, एक आदर्शवादी और उत्साही वकील, जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हिरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है, हम कानून के व्यवसाय में हैं, न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न डिमांड की तरफ से रेटिंग दी गई है 6.4% की, और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में, और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी, जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे, और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हिरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा, और राहुल भट्ट अजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं, और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अजा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था, और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा, जो कि अक्षय खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी, जो कि ऋषि चड्ढा हैं, एक आदर्शवादी और उत्साही वकील, जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में
जिसमें हेरल भी शामिल थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेड माध्यम तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की, और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में, और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे, और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं, और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था, और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांत पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़,
झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी पर करार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी, जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी पर करार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की।
दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलते हैं आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत एजा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेन टोमेटो तरफ से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को
13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेड माध्यम तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा
अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस प्रकार से तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढैंक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हिरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस प्रकार से तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढैंक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी
सलूजा की प्रसूचक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाओ बरिस्टर के रूप में गाय करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलते हैं आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अजा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रसूचक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाओ बरिस्टर के रूप में गाय करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है,
और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न टमाटो तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं, आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न टमाटो तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और
IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांतलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन। हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को
13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे
सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस प्रकार से तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं, आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हिरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेन टोमेटो तरफ से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हिरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस प्रकार से तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं, आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी
सलूजा की प्रसूचक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बरिस्टर के रूप में गाय करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेड माध्यम की तरफ से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजय रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रसूचक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बरिस्टर के रूप में गाय करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है,
और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी पर करार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी, जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी पर करार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की।
दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलते हैं आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत एजा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन। हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेन टोमेटो तरफ से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को
13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेड माध्यम तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की
समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढैंक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हिरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हिरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजय रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अजय हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढैंक आदर्शवादी और
उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की, और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निर्माता की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलते हैं आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं, आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है, और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल
के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न टमाटो तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हरी हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं, उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है, आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं, आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं, जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना
में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीदवार कर रही थी। तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपने सिद्धांतलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीदवार कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375
मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्रानी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसफे में एक सेमिनार में जिसमें हीरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसो धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं, ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं, रोहन की पत्नी कैनाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट एज रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं, न्यायमूर्ति इंद्रानी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती है और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं, करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं, रोशनी के रूप में रीवा
अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस प्रकार से तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रशिक्षक थी, दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य है, न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फलसबे में एक सेमिनार में जिसमें हिरल भी शामिल थी उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेन टोमेटो तरफ से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375 मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय निभाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अच्छे खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हिरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजा रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल्स हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस प्रकार से तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अच्छे खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हिरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं एक आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी
सलूजा की प्रसूचक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बरिस्टर के रूप में गाय करते हैं। तरुण अपने सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है, और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी बरकरार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध ही बनाना में दिलचस्पी रखता है जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा खराब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रेटेड माध्यम की तरफ से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10/8.1 की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम था सेक्शन 375। तो इसी धारा से रिलेटेड यह मूवी है, तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसे बताने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। दोस्तों धारा 375 यानी सेक्शन 375, मर्जी या जबरदस्ती इस मूवी का पूरा नाम है, वैसे धारा 375 नाम से भी जाना जाता है। 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की यह एक कानूनी ड्रामा मूवी थी जो अजय बहल द्वारा निर्देशित और मनीष गुप्ता द्वारा लिखित और कुमार मंगत प्रकाश द्वारा निर्मित की गई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर ही 12.35 करोड़ ही कमाए थे और इस मूवी को 13 सितंबर को रिलीज किया गया था। 124 मिनट की मूवी थी। कास्टिंग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपको अभियुक्तों के बचाव के पक्ष में बैरिस्टर वकील तरुण सलूजा के रूप में अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं। ऋचा चड्ढा वकील हीरल गांधी सरकारी वकील के रूप में देखने को मिलते हैं। रोहन की पत्नी के नवाज खुरान के रूप में श्री सुरा और राहुल भट्ट अजय रोहन रवि खुराना देखने को मिलते हैं। न्यायमूर्ति इंद्राणी के रूप में करते का देसाई देखने को मिलती हैं और शेखर के रूप में निशांग वर्मा देखने को मिलते हैं। करणजीत अच्छा हीरा लाल हस्बैंड देखने को मिलते हैं। रोशनी के रूप में रीवा अरोड़ा तरुण की बेटी देखने को मिलते हैं। फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। फिर इसको 5 सितंबर को खन्ना की प्रस्तुति वाला एक संवाद प्रोमो जारी किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की समापन फिल्म थी और इसे सराहना मिली। यह भारत में 13 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से फिर रिलीज की गई थी। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी किस प्रकार से, तो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहन खुराना, राहुल भट्ट को सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगरे जो कि मीरा चोपड़ा हैं उनके द्वारा गलत काम का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रभावशाली आपराधिक बैरिस्टर तरुण सलूजा जो कि अक्षय खन्ना है आरोप लगाने वाले के दावों में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि हीरल गांधी जो कि ऋषि चड्ढा हैं आदर्शवादी और उत्साही वकील जो अपना पहला बड़ा मामला लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की प्रसूचक थी। दावा किए गए पीड़ितों के अभियोजक और बचाव बरिस्टर के रूप में गाय करते हैं। तरुण अपनी सिद्धांजलि पर चलते हैं कि कानून एक तथ्य न्याय अमूर्त है और उसका मानना है कि एक वकील को किसी मामले में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में एक सेमिनार में जिसमें हेरल भी शामिल थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है, और यह देखते हुए कि न्याय की खोज बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पर और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने उसे अपनी पंक्ति है हम कानून के व्यवसाय में हैं न्याय के नहीं के साथ संरक्षित किया, और यह हरियल के रवैये के बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि क्योंकि वह न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से जुड़ जाती है, इसी कारण उसे पिछले दिनों तरुण की लॉ फर्म छोड़नी पड़ती है,
और तरुण ने अपनी जेरह में सबूतों से छेड़छाड़, झूठ और मुख्य गवाहों द्वारा छिपाए गए तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति के साथ संबंध था, जो अपनी नौकरी पर करार रखने के दबाव के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ वह इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से शामिल हो गई। बाद में जब उसे पता चलता है कि रोहन उसके साथ केवल संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है, जबकि उसे अपना जीवन साथी बनाने की उम्मीद वह कर रही थी, तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और उसी के बाद में आरोप प्रत्यारोप होता है। तो आगे मूवी में न्याय किसको मिलता है और दोषी कौन है, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख कर ही इस मूवी की पूरी कहानी भी जान लीजिए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन, हम कहानी बता करके इसका मजा ख़राब नहीं करना चाहते। इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। इसको रिटर्न बाद तब से रेटिंग दी गई है 6.4% की और IMDb की तरफ से 10 out of 8.1 की।